गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास फिफ्थ की साइंस की बुक है विज्ञान दर्शन। जैसा आप जानते हैं कि इसका जो सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, आज हम थर्ड चैप्टर रीड करेंगे। एंड चले स्टार्ट करते हैं जंतुओं का जीवन, मतलब कि जो हमारे जीव जंतु हैं छोटे, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, उनके जीवन के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कि वो क्या खाते हैं, कैसे मतलब रहते हैं, कहाँ रहते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण या वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, जो मतलब कि अलग अलग जो अलग अलग पर्यावरण होते हैं, वातावरण होते हैं हमारे आसपास के, वहाँ अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं। उनकी शारीरिक विशेषताओं, आदतों, आकार तथा आकृति में अंतर होता है, मतलब कि उनकी जो शरीर की बनावट होती है, उनकी विशेषताएं उनकी होती हैं और आदत होती हैं, और देखने में उनका जो आकार होता है, आकृति होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, फर्क होता है। उनकी समस्त क्रियाएं जैसे गति करना, श्वसन लेना, अनुभव करना, भोजन करना आदि सभी उनके आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है, मतलब कि उनकी जो बहुत सारी जो क्रियाएँ हैं, काम करने की जो दर है वो बहुत अलग अलग होती है, वो वातावरण के उनके इन्वायरमेंट पर निर्भर करती है, उनके वातावरण पर ही निर्भर करती है। जैसा वातावरण रहेगा वैसे ही उनकी क्रियाएं होंगी, जैसे कि गति करना मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, सांस लेना, श्वसन करना मतलब सांस लेना, अनुभव मतलब महसूस करना, भोजन करना, ये सब चीज़ मतलब खाना खाना, ये सब उनके आसपास का जो वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसी के आधार पर करती हैं। क्रियाएं वातावरण के विपरीत होने पर वे नष्ट हो जाती हैं, हो सकते हैं। उनमें एक ही क्रिया करने की भिन्न भिन्न विधियां या शैलियां होती हैं, मतलब कि इनमें जो क्रियाएं होती हैं वो वातावरण के विपरीत, मतलब कि वातावरण के बाद होने पर वे नष्ट हो जाती हैं। जैसे वातावरण अगर ख़त्म हो जाएगा तो वो भी क्रियाएँ जो होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और उनमें एक ही क्रिया करने की अलग अलग शैली होती है और अलग अलग विधि होती है। जंतुओं में श्वसन क्रिया मतलब कि जो जंतु हैं वो कैसे सांस लेते हैं, उनमें श्वसन क्रिया कैसे होती है। सभी जंतु ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन भोजन को जलाकर ऊर्जा प्राप्त उत्पन्न करती है, मतलब कि इस ऊर्जा का उपयोग भिन्न विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए किया जाता है। जो हमारे सभी जंतु होते हैं वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की उनको मतलब सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन जो होते हैं वो भोजन को उनके जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और ऊर्जा का उपयोग वो शरीर की क्रियाओं के लिए करते हैं, मतलब ऊर्जा मतलब ताकत का यूज़ वो अपने शरीर की जो क्रियाएँ होती हैं, चलना, यहाँ से वहाँ जाना, महसूस करना, भोजन करना, ये सब चीज़ों के लिए वो यूज़ करती हैं। स्थलीय जंतु वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जबकि जलीय जंतु जल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जो हमारे स्थल पर रहने वाले जंतु होते हैं